अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस मैं उठ चुका था और आज तीसरा दिन है ईद का, करने को कुछ भी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। दोस्त वगैरह अपने अपने घरों में ही बैठे हैं, हम लोग भी घर में बैठे हैं, रेडी शेडी नहीं हुए, बस खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। देर से उठे हैं, तकरीबन 1 बजे उठा था, नमाज वमाज पढ़ी है, बैठे हैं खाने का इंतज़ार करने। तो फाइनल ये हमारे साथ क्या कहते हैं अहमद जुनैर, ये बैठे हुए खाने का इंतज़ार ही कर रहे हैं, खाना बस आ रहा है। तो गाइस फाइनली खाना आ चुका है। ये आज पता नहीं मम्मा ने क्या बनाया है, अफगानी। ओह माय गॉड, चलो भाई खाते हैं और टेस्ट करते हैं कैसा बनाया है। तो गाइस ट्राई करते हैं। कहाँ से कहाँ पहुंच गया हूँ मैं। मजेदार। तो जी ड्रेस प्रेस कर लिया है, बस इसको पहनते हैं, पहनने के बाद फिर ये के बाहर का प्लान करते हैं। तो यार गोश्त खा खा के थक चुके थे, आज फाइनली जो है स्पैगेटी बना रही है सिस्टर, तो स्पैगेटी खाएंगे आज मज़े में। थक अदा करते हैं अपना, जो मैंने खानी उसी से का हिला देता हूँ। चलो भाई जी। तो गाइस मैं देने वाला हूँ बच्चों को ईदी, उनको बिल्कुल भी नहीं पता। ये नए नोट मैंने रखे हुए हैं, उनको मैंने बताया कि मेरे पास नए नोट जो हैं वो नहीं हैं, तो इसको छुपा देते हैं यहाँ पे और इनको बुलाते हैं किसी तरीके से। यहाँ से बैठ के ना आवाज़ लगाऊँगा तो वो आते हैं, तो उनका मजाक करते हैं पहले, तो बाद में उनको देंगे ईदी। तो आवाज़ लगाते हैं, वो पंजाब में ना हमारे पंजाबी पता नहीं किस तरह से करते हैं, कुड़ियो मुंडियो ईदी वटींदी लई जाओ। देखते को ही आता है कि नहीं आता। कुड़ियो मुंडियो ईदी वटींदी लई जाओ। जुनैर मुझे लग रहा है कोई आने को तैयार नहीं है जबकि बाहर बैठा हुआ है, देखते हैं लेट्स सी कब तक आता है। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग आ रहे हैं और दोबारा से आवाज़ मारते हैं, अहमद की आवाज़ आ रही है। तो कुड़ियो मुंडियो ईदी वटींदी लई जाओ। तो अभी तक कोई भी नहीं आया, अब बैठे यहाँ पे आवाज़ें मारते हैं एक दो और। ये आना शुरू हो गया, ये आना शुरू हो गया, ये पहला बच्चा आ गया है। हाँ भाई क्या लेने आए हो, बैठो बैठो बैठो, तशरीफ़ फरमाओ आप। बाकी नहीं आए। तो गाइस ये सारे आ चुके, आके बैठ चुके हैं, अब इनको ईदी देनी है। भाई पहली बात तो मैं तुम लोगों को बता दूँ, ईद पे होते हैं नए नोट जो देने होते हैं, ईदी पे नए नोट होते हैं ना, है ना भाई, नए नोट देने होते हैं ना अहमद। अब ईद में जिस तरह नए कपड़े पहनते हैं तो नए नोट, और मेरे पास नए नोट हैं नहीं, तो इस वजह से तुम लोगों को ईदी तो मिलनी नहीं है, पुराने नोट पड़े हैं मेरे पास, पुराने ही दे दो। नहीं भाई अब देखो ना, ईद पे नए जोड़ा पहनते हैं इसलिए कि ईद है, बच्चों को ईदी भी नए पैसों की देनी चाहिए, नए नोटों की। तुम्हारे पास है ना, तो मैंने तो ईदी देनी है, वो तो मैं फिर नए नोट की देता तो मज़ा आता ना। नहीं नहीं जैसी भी क्या मतलब है। हाँ भाई तुझे नए नोट चाहिए पुराने पुराने तुझे नए पुराने मुझे नया नोट दे दे जो भी जेब में अच्छा पड़ा। अच्छा हाँ इशाल तुम्हें कौन सा चाहिए? अरिशा नया नोट मुंह तेरा, तुम्हें कौन सा नोट चाहिए? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मेरे पास है 10 रुपए का नोट। ये डिसाइड हो गया कि इनको हम लोग ईदी नहीं देते। चलो चलो आप भाग जाओ। तो गाइस मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको देने वाला हूँ सबको 50-50 रुपए। क्यों किस बात के 100 रुपए जमा करवाए थे मेरी तरफ? तूने कौन से जमा कराए मेरे पास?
तो शेक पिलाया था ना, जमा तो नहीं कराए थे ना, वो जमा होके निकल गए। हाँ भाई कह रहा है शेक पिला था, वो तो जमा होके निकल भी गया भाई। नहीं नहीं 50 लेने तो ठीक है, नहीं तो भाग जाओ। 50 लेने लेने नहीं, तुमने 50 लेने, रिशा इशाल तुमने। चलो भाई तुम कितने लोगे? 50। तुम कितने लोगे? 100। चलो मैं देखता हूँ मेरे वॉलेट में से कितने 100 रुपए वाले नोट निकलते हैं और कितने 50 वाले। यार ऐसा करते हैं, पर्ची डालते हैं, एक 0 की, एक 10 रुपए की, एक 50 की, एक 100 की। ठीक है ठीक है, 100 पर्ची निकली वो दूंगा, 0 निकला 1 रुपया भी नहीं दूंगा। चलो तो गाइज डिसाइड ये हुआ है, पर्ची डालते हैं 0 की, 10 की, 50 की और 100 की। जो पर्ची में जो भी निकला वो इनको रसीद होगा। चलो बनाओ पर्चियां जल्दी से, मैं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ, बस एक मिनट रुक जाना, पर्ची बना पे। बस 0 पेन ही नहीं चल रहा है, खाली पेन है बेवकूफ। जो पेन उठाओ ना इधर और कहीं से, ओके इधर नहीं जा तू, उधर देखो जनाब उधर पड़ा हुआ है, एक बंद कर दे इसको, पकड़ो इस पे लिखते हैं 0 10 100 और 50। मैं फोल्ड करूंगा, तुम लोग छोड़ दो। मैं तो गाइस पर्चियां मैंने बना ली हैं, ठीक है, और पर्ची उठवाएंगे हम मोइस भाई से, ठीक है। ये मोइस पर्ची उठाएगा ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। चलो चलो ये पर्चियां डाल लेते हैं यहाँ पे। चलो एक कोई एक पर्ची उठानी है, चलो खोल के सामने दिखा दो। ओ तुम्हारी खैर। तो गाइस लग गए 100 वाली पर्ची भी निकल आई। चलो भाई 500 रुपया निकाल लो। खुले वो है सिर्फ और सिर्फ 310 रुपए, ठीक है। किसी को अपनी ईदी की बलि देनी पड़ेगी 10 रुपए लेके। हाँ 5 लोग हैं, एक को 100, दूसरे को 100, तीसरे को 50, चौथे को 50, पांचवे को 10। तो यार ऐसा करते एक और गेम खेलते हैं, पांच पर्चियां डालते हैं, 200 की, 250 की, एक 10 की, ठीक है, और एक। तो गाइस पर्चियां डाल ली हम लोगों ने 5, इसमें 10 वाली भी है, 100 वाली, 50 वाली भी, जो इनका निकला वो इनको देंगे हम। ये हैं कैंडिडेट्स सारे, एक एक करके उठाना है, सबसे पहले सबसे छोटा उठाएगा उसके बाद ऐसे करके। चलो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? अरीशा उठाओ अपनी एक पर्ची, खोलना नहीं है, ठीक है, कोई भी एक उठाओ। चलो उसके बाद कौन सा बड़ा? अब सबसे पहले खुले जैन। अच्छा इसके बाद किसी के पास दो के पास 100 वाली पर्ची है, एक के पास 10 वाली। अच्छा इसके बाद कौन छोटा है? अहमद। अहमद अहमद खोले अपनी पर्ची। अहमद खुशी चेक करे भाई जान। चलो इसके बाद जुनैद, चलो खोलो, अभी भी 100 पड़ा है, 50 पड़ा है। इनको 0 कितने? इनको 10 रुपए मिले। आए चलो विशाल तुम बोलो। चलो अल्लाह बस खुशी, अरीशा के पास 50 रुपए यार, ये सही नहीं। चलो ये आगे जुनैद के 10 रुपए, ये जुनैद के 10 रुपए। ये गंदी गेम है, गंदी गेम क्या, बिल्कुल जैन के 50 से, जैन के 50 से, जैन के 50 से। चलो गाइस फाइनली हम लोग, अच्छा भाई एक चैलेंज और कर लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जिसके अंदर 1000 का नोट निकलेगा, ये लो सारे वापस करो, अपने पैसे वापस करो, अपने सारे वापस करो। तो मिस्टर तूने मेरे पास
अपनी ईदी वापस करो। कल रात जो खाए जूती विशाल तुम दो वापस। तीन दो करे दिए भी एक जैन ने नहीं दी। चलो भाई गाइस अब दोबारा से तो गाइस इनको देते हैं सरप्राइज जहां हमने छुपाया था आप लोगों को बताया था मैंने। ये आ गए कड़कना माल। चलो भाई एक तेरा सच्ची में तो मिलेंगे ना। एक तेरा एक तुम्हारा एक ये लो। गाइस इनकी ईदी हमने इनको दे दी। ओके अल्लाह हाफिज़। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या ये बस और क्या? What is this? आपने गेम खेला था ना हमारे साथ। 10 रुपए 10 रुपए लो जाओ चलो चार 10 फाइनली इन सबको दे दी हम लोगों ने ईदी। आर यू हैप्पी गाइस? नो तुम तो सदा ही रोंदा रहना। आर यू हैप्पी? यू हैप्पी नो? अबे रात तेरा बलात्कार हो गया तू अभी भी खुश हो रहा है। तो गाइस अब खाते स्पैगेटी। स्पैगेटी आ चुकी थी सिस्टर ने बनाई है। खाते हैं लेट्स सी ट्राई करते हैं कैसी बनाई है। मजेदार। अहमद की बोटियां उठा के खा रहे हैं। उड़ी क्या कर रहे हो यार? खा तो रहे नहीं हो। बड़ी स्पाइसी है। जाओ बैट से एक बोतल ले आओ। जी तो गाइज लाइट जा चुकी है और हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने मेहरान पे। चलो बच्चों बैठो गाड़ियों पे चलें। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं मेहरान स्वीट्स पे मेहरान आइसक्रीम। कबूल है? कबूल है? कबूल है? कबूल है? बिल बैलेंस के लिए तीन तीन हाँ कितने उसका भी है रिश्ता का हाँ तीन और दो स्ट्रॉबेरी चीज के आधे से ज़्यादा इनके फ्लेवर पिघले में और ये बस आधे ऑर्डर कैंसिल। ये इन दोनों का आ गया बाकी सबका वेट कर रहे हैं हम लोग। यार ये है पीना कोलाडा और ये भी है इनका पीना कोलाडा। ये है मेहरान आइसक्रीम और ये कहाँ पे? भुट्टा रोड। भुट्टा रोड पे हालत देखिए इनका। ये पीना कोलाडा है ये चिट्टा ये पीला। गाइस घंटे के बाद ऑर्डर दो दफ़ा बर्बाद हुआ। वापस भेजा पहली दफ़ा ऑर्डर दिया वो इन्होंने वापस मतलब वही गिलास मुझे रिटर्न कर दिया। तो अब ये कि मैंने रोस्टेड आलमंड फ्लेवर मंगाया चेक कर लेते हैं ये कैसा है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खा ली है बस बिल पे करते हैं और चलते हैं वापस घर को। तो गाइस आइसक्रीम वगैरह खा ली है अब हम लोग चलते हैं घर को वापस। तो गाइस फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं आइसक्रीम वगैरह खा के। अब ये मोइस जो है मोटरसाइकिल अंदर रख रहा है। चल मोइस मोटरसाइकिल अंदर रख ऊपर जाके मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं आइसक्रीम वगैरह इन लोगों ने खा ली है। भाई तुम लोगों को मज़ा आ गया है? हाँ तुम्हें मज़ा आ गया? घर जाके क्या बताओगे? मुझे मामू ने आइसक्रीम खिलाई। पैसे देने हैं? तुम कह रहा है मैंने आइसक्रीम खिलाई है खुद ने पैसे देने हैं? यार मैंने खा लिए सारे पैसे। गाइस जब हम घर आए एसी चल रहा है और चिल माहौल हुआ है साथ में मूवी और साथ में हम खा रहे चिप्स। अबे ये नहीं स्लांटी लेके आओ स्लांटी वाली नहीं मेरे लिए। खत्म स्लांटी हैं? खत्म
तो गाइस आज के व्लॉग को हम यहाँ पर करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जिसे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर नहीं किया उसके साथ हम अन्नी मंडी संधि कर देंगे।